हेलो एवरीवन, तुहाडे सारिआं दा स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरु ते। अज दी अपनी क्लास हैगी जी भारत दे पर्वतां बारे। भारत दे पर्वतां तों काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम विच पूछे जांदे ने जो कि मैं इस वीडियो विच कवर किते ने। सो इस वीडियो नूं तुसीं अंत तक वेखना है जिस नाल तुहानूं पूरा फायदा मिल सके। शुरू करदे हां जी अज दी क्लास नूं। पूरे भारत विच 29.3% भू भाग ते पर्वत अते पहाड़ियाँ फैलिया हुई हैं। भारत का जिहड़ा संपूर्ण भाग हैगा जी उहदे विचों 29.3% भू भाग ते की हैगा जी पर्वत अते पहाड़ियाँ फैलिया हुई हैं। भारत के उत्तर विच स्थित हिमालया पर्वत श्रेणियाँ जवान अते संसार की नवी मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ हैं। भारत के उत्तर विच की स्थित है जी हिमालया पर्वत श्रेणियाँ स्थित ने जो कि है जवान अते संसार दी नवीआं मोड़दार पर्वत श्रेणियां हन। हिमालया पर्वत श्रेणी नूं उमर अते नदियां दे आधार ते समझ सकदे हां जी। सब तो पहला आपां वेखदे हां जी मैप दे विच, आपां वेखदे हां जी कित्थे तो लैके कित्थे तिकन जिहड़ा हिमालया फैलिया होया जी। हिमालया इत्थों शुरू हो जांदा जी एवें ते इत्थे तिकन फैलिया होया जी हिमालया। इत्थे हैगा जी अपने कोल नेपाल, इत्थे हैगा जी अपने कोल तिब्बत, इत्थे हैगा जी अपने कोल बंगाल की खाड़ी, इत्थे हैगा जी अपने कोल अरब सागर। हुण गल करदे हां जी हिमालय नूं आपां दो भागां नाल समझ सकते हैं जी। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ एक आप समझ सकते हैं जी इनू उम्र के आधार नाल, एक समझ सकते हैं जी इनू नदियों के आधार नाल। सब तो पहला आप गल करांगे जी उम्र के आधार नाल। उम्र के आधार नाल आप पहला हिमालय पर्वत श्रेणियाँ समझांगे जी। सब तो पहला हैगा जी अपने कोल महान हिमालय, उस तो बाद हैगा जी सेकेंड अपने कोल मध हिमालय या इनू आप कहते हैं जी लघु हिमालय। इस तो बाद वेखदे हां जी, इस तो बाद अपने कोल हैगा जी शिवालिक हिमालय। हुण आपां वेखदे हां जी मैप दे विच आ जिहड़ा उपरला हिस्सा हैगा जी इहनू कहिंदे आ जी आपां महान हिमालय। इस तो बाद सेकंड जिहड़ा हैगा जी उहनू आपां कहिंदे आ जी मध्य हिमालय। ते आ थलड़ा जिहड़ा हैगा जी इहनू आपां कहिंदे आ जी शिवालिक हिमालय। हुण आपां गल करांगे जी महान हिमालय दी। महान हिमालय अपना फस्ट पॉइंट हैगा जी। इस दी औसत ऊंचाई किन्नी हैगी जी 6100 मीटर है। ये हिमालय श्रेणी सब तो पुरानी है जी। इस दी ऊंचाई किन्नी हैगी जी 6100 मीटर। तो यह हिमालय पर्वत श्रेणी जी हैगी है की हैगी जी सब तो पुरानी है जी। सेकेंड हैगा जी इसका निर्माण अज तो 25 तो 40 मिलियन साल पहला होया सी। इस तो बाद है जी संसार की सब तो उच्ची चोटी माउंट एवरेस्ट इसका हिस्सा है। जी माउंट एवरेस्ट चोटी हैगी जी वह की है जी संसार की सब तो उच्ची चोटी हैगी जी वह कितने है जी वह हैगी जी महान हिमालय दे विच। कितने हैगी जी इत्थे महान हिमालय दे विच। इत्थे हैगा जी अपने कोल नेपाल, नेपाल दे विच की हैगा जी माउंट एवरेस्ट स्थित है। इस दी उचाई किन्नी हैगी जी 8848 मीटर। उचाई किन्नी हैगी जी 8848 मीटर। यह चोटी नेपाल विच स्थित है जी जिथे इसनू सागर माथा कहा जाता है। नेपाल विच इस चोटी नू की कहा जाता है जी सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट वेखते हैं जी इस तो बाद अपने कोल आउंदा है जी मध्य हिमालय। मध्य हिमालय जिहड़ा हैगा जी महान हिमालय अते शिवालिक हिमालय दे विचकार स्थित एक पर्वत श्रेणी है जी। जिवें कि तुसी चित्र विच वेख रहे हो आ अपने कोल सीगा जी महान हिमालय,
ਤੇ ਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੱਧ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਥਰਡਾ ਹੀ ਥਰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਪਰਵਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪਰਵਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਮਾਯੂ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇਪਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸਮ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਾਕੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਧ ਨਦੀ। ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਾਕੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕਣ ਫੈਲਿਆ ਜੀ? ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਧ ਨਦੀ। ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌੜਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਰਵਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਪਰਵਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਰਾਕੋਰਮ ਪਰਵਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਕਰਾਕੋਰਮ ਪਰਵਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਾਕੋਰਮ ਪਰਵਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਾਕੋਰਮ ਪਰਵਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਟੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਟੂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਾਡਵਿਨ ਆਸਟਿੰਗ। ਗਾਡਵਿਨ ਆਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੇਟੂ ਨੂੰ।
इस नूं एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है जी। इस पर्वत श्रेणी विच भारत की सब तो उच्ची चोटी पर्वत केटू गार्डविन आस्टिंग है जी, जिसकी उचाई कितनी हैगी जी 8611 मीटर। उचाई कितनी है जी 8611 मीटर। केटू की उचाई हैगी जी 8611 मीटर। तो भारत की सब तो उच्ची चोटी हैगी जी ये कित्थे स्थित है जी, कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। कराकोरम पर्वत नूं पहला कृष्णगिरी के नाम नाल जाने जाता सी जी। इस तो बाद हैगी जी दूजी श्रेणी दे विच लद्दाख पर्वत श्रेणी। संसार की सब तो ज़्यादा ढलाण वाली चोटी राखपोशी लद्दाख पर्वत श्रेणी विच स्थित है। केड़ी है जी राखपोशी जिहड़ी हैगी है चोटी वो लद्दाख पर्वत श्रेणी विच स्थित हैगी है जी, जिंदी सब तो ज़्यादा ढलाण हैगी है जी। चित्र विच वेखदे हां जी कित्थे स्थित है जी, आ इत्थे हैगी जी अपने कोल आ जिहड़ी तुसीं वेख रहे हो आ हैगी जी लद्दाख पर्वत श्रेणी। की हैगी जी लद्दाख पर्वत श्रेणी। इस तो बाद वेखदे हां जी जासकर, जासकर पर्वत श्रेणी। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी अते जासकर पर्वत श्रेणी दे विचकार वगदी है। सिंधु जिहड़ी नदी है जी वह वगदी है जी लद्दाख पर्वत श्रेणी ते जासकर पर्वत श्रेणी दे विचकार। मेप दे विच वेख लैने जी आ जिहड़ी नदी तुसीं वेख रहे हो जी आ नदी अपने कोल हैगी है जी सिंधु नदी। सिंधु नदी आ वगदी है जी इत्थे इत्थे अपने कोल हैगी जी लद्दाख पर्वत श्रेणी आ ते आ अपने कोल हैगी है जी इस तो थले जासकर पर्वत श्रेणी। इस तो बाद वेखदे हां जी इस तो बाद अपने कोल आउंदा है जी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की हैगी जी वेख लैने आ। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमालय की सब तो लंबी पर्वत श्रेणी है। यह हिमाचल प्रदेश अते जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है जी। कितों तक फैली हुई है जी हिमाचल प्रदेश तो लेके जम्मू कश्मीर तक। मेप दे विच वेखदे हां जी कित्थे स्थित है जी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आ हैगी जी अपने कोल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। इस तो बाद हैगी जी अपने कोल तोलातार पर्वत श्रेणी। तोलातार पर्वत श्रेणी बारे भी आपां कुछ वेख लैने आ जी। आ जिहड़ी पर्वत श्रेणी तुसीं वेख रहे हो जी आ हैगी जी अपने कोल तोलातार पर्वत श्रेणी। कुल्लू घाटी तोलातार अते पीर पंजाल पर्वत श्रेणी दे विचकार स्थित है जी। कुल्लू घाटी जिहड़ी हैगी जी कित्थे स्थित है जी तोलातार अते पीर पंजाल पर्वत श्रेणी दे विचकार स्थित हैगी जी। नैक्सट वेखदे हां जी नैक्सट अपने कोल है जी शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी यह हिमालय की सब तो दखनी पर्वत श्रेणी है जी। इस विच कराकोरम लद्दाख जासकर पर्वत श्रेणी वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम नाल जानिया जाता है जी। इस विच की हैगा जी कराकोरम लद्दाख जासकर पर्वत श्रेणी का जिहड़ा हिस्सा है जी उसनू कहा जाता है जी ट्रांस हिमालय। हुण वेखदे हां जी मेप दे विच कित्थे हैगी है जी शिवालिक पर्वत श्रेणी। आ जिहड़ी पर्वत श्रेणी तुसीं वेख रहे हो जी इसनू कहा जाता है शिवालिक पर्वत श्रेणी। नैक्सट वेखदे हां जी पीर पंजाल तोलातार पर्वत श्रेणी लघु हिमालय दे विच स्थित है। पीर पंजाल ते तोलातार जिहड़ी पर्वत श्रेणियां ने वह किते स्थित ने वह स्थित ने जी लघु हिमालय दे विच। पंजाब हिमालय विच जाफरान की खेती की जाती है जी। जाफरान के फुलां तो केसर प्राप्त किया जाता है जी। की किया जाता है जी जाफरान की खेती की जाती है जी पंजाब हिमालय दे विच ते जाफरान के फुलां तो की प्राप्त किया जाता है जी केसर। इस तो बाद वेखदे हां जी अपने कोल सेकंड हैगा सी जी कुमायूं हिमालय। हुण आपां गल कीती सी जी पंजाब हिमालय की, इस तो बाद आपां गल कर रहे हैं जी कुमायूं हिमालय की। कुमायूं हिमालय नूं ही
गढ़वाल हिमालय के नाम नाल जाने जाता है जी। किस नाम नाल जाने जाता है जी? गढ़वाल हिमालय के नाम नाल। सतलुज नदी और काली नदी के विचकार 320 किलोमीटर लंबा हिमालय खेतर कुमायूं हिमालय के नाम नाल जाने जाता है जी। किन्ना हैगा जी? 320 किलोमीटर लंबा खेतर है जी सतलुज नदी ते काली नदी के विचकार, जिसनों कहा जाता है जी कुमायूं हिमालय। यह हिमालय खेतर उत्तराखंड विच फैलिया होया है। कुमायूं हिमालय की सब तो उच्ची चोटी है जी नंदा देवी। केड़ी है जी? नंदा देवी सब तो उच्ची चोटी है जी कुमायूं हिमालय की, जिसकी उचाई हैगी है जी 7817 मीटर। किन्नी है जी? 7817। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इस हिमालय का हिस्सा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री कितने स्थित ने? कुमायूं हिमालय का ही हिस्सा ने। गंगा, यमुना, राम गंगा नदियों का उद्घाटन कुमायूं हिमालय तो ही होया है। केड़ी केड़ी जी? गंगा, यमुना ते राम गंगा जिहड़ी नदियां ने उन्हां दा उद्घाटन कित्थों होया जी? कुमायूं हिमालय तो। मेप दे विच वेखदे हां जी कित्थे स्थित है जी कुमायूं हिमालय। आ जिहड़ी नदी तुसी वेख रहे हो जी आ हैगी जी अपने कोल सतलुज नदी। आ हैगी जी अपने कोल काली नदी। आ जिहड़ा विचकार दा जिहड़ा एरिया हैगा जी इहनू कहा जांदा है जी कुमायूं हिमालय। इहनू कहा जांदा है जी कुमायूं हिमालय। आ जिहड़ा विचकार दा एरिया तुसी वेख रहे हो जी कुमायूं हिमालय किहदे विचकार हैगा जी? सतलुज नदी ते काली नदी दे विचकार जिहड़ा आ एरिया तुसी वेख रहे हो जी इहनू कहिंदे ने जी कुमायूं हिमालय। नैक्सट वेखदे हां जी आपां। नैक्सट अपने कोल थर्ड हैगा जी नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बारे भी आप कुछ वेख लें जी। इस तो बाद अपने कोल हैगा जी नेपाल हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के विचकार 800 किलोमीटर का हिमालय खेतर नेपाल हिमालय के नाम नाल जाणिया जाता है जी। किन्ना हैगा जी? 800 किलोमीटर लंबा खेतर हैगा जी किहदे विचकार हैगा जी? काली नदी ते तीस्ता नदी। आ हैगी जी अपने कोल इत्थे काली नदी। आ हैगी जी अपने कोल तीस्ता नदी। आ जिहड़ा विचकार जिहड़ा एरिया हैगा जी इहनू कहा जांदा है जी नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किहदे विचकार हैगा जी? काली नदी ते तीस्ता नदी के विचकार 800 किलोमीटर का जिहड़ा हिमालय खेत्र है उन्हूं कहा जाता है जी नेपाल हिमालय खेत्र। यह कुमायूं हिमालय नालों अधिक उच्चा है। नेपाल हिमालय जिहड़ा हैगा जी वह की हैगा? कुमायूं हिमालय नालों अधिक उच्चा है जी। इस हिमालय की सब तो उच्ची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिहदी उचाई हैगी है जी 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट चोटी जिहड़ी हैगी है जी वह हैगी जी नेपाल हिमालय दे विच। इहदी उचाई हैगी है जी 8848 मीटर। तो नेपाल विच इसनू कहा जाता है जी सागर माथा दे नां नाल इसनू जाणिया जाता है जी। इस हिमालय खेत्र विच धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत घाटियां स्थित हैं। केड़िया केड़िया घाटियां? धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत घाटियां किथे स्थित ने? नेपाल हिमालय दे विच। कंचनजंगा भारत की दूजी सब तो उच्ची चोटी है जी, जिहड़ी भारत के सिक्किम अते नेपाल विच फैली हुई है। कंचनजंगा जिहड़ी हैगी जी भारत की कहड़ी हैगी है? दूजी सब तो उच्ची चोटी है जी जिहड़ी भारत के सिक्किम अते नेपाल विच फैली हुई है जी। नैक्सट वेखदे हां जी आपां नैक्सट हिमालय के बारे। असम हिमालय के बारे वेखदे हां जी हुण। नैक्सट अपने कोल हैगा जी असम हिमालय।
तीसा नदी तो लेके ब्रह्मपुत्र नदी के विचकार फैले हिमालय खेत्र नूं असम हिमालय के नाम नाल जाने जाता है जी। असम हिमालय कहा जाता है जी। कितों लेके जी? तीसा नदी तो लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक। इस हिमालय सिक्किम अरुणाचल प्रदेश अते नेक्स्ट अपने कोल हैगा जी असम हिमालय। तीसा नदी तो लेके ब्रह्मपुत्र नदी के विचकार फैले हिमालय खेत्र नूं असम हिमालय कहा जाता है जी। कितों लेके जी? तीसा नदी तो लेके ब्रह्मपुत्र नदी के विचकार जिहड़ा हिमालय खेत्र फैलिया होया जी उन्हूं कहा जाता है जी असम हिमालय। यह हिमालय सिक्किम अरुणाचल प्रदेश अते असम तक फैलिया होया जी। सिक्किम अरुणाचल प्रदेश से असम तक फैलिया होया जी ये हिमालय। हिमालय तो निकलन वालिया नदियां सारा साल वगदिया हन। हिमालय तो जिहड़ियां भी नदियां निकलदियां ने वो सारा साल की रहिंदियां ने वगदिया रहिंदियां ने। इन्हां दा स्रोत ग्लेशियर हुंदे हन। इन्हां दा स्रोत की हुंदे ने जी? ग्लेशियर। ग्लेशियर की हुंदे ने जी? बर्फ दे वड्डे वड्डे पहाड़ हुंदे ने जिन्हां दे पिंगलण दे कारण नदियां वगदिया रहिंदियां हन। जिन्हां दे पिंगलण दे कारण की हुंदा जी? ये नदियां सारा साल वगदिया रहिंदियां हन। हिमालय का विस्तार, इस तो बाद हैगा जी हिमालय का विस्तार। पहला आपां वेख लैने आ जी मैप दे विच। आ हैगी जी अपने कोल तीसा नदी, आ हैगी जी अपने कोल ब्रह्मपुत्र नदी, आ हैगी जी तीसा ते आ हैगी जी ब्रह्मपुत्र नदी। आ विचकार दा जिहड़ा एरिया हैगा जी इहनूं आपां कहिंदे हां जी असम हिमालय, असाम या असम हिमालय। इस तो बाद आपां वेखदे हां जी, इस तो बाद अपने कोल हैगा जी हिमालय दा विस्तार। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड राज्यां विच की हैगा जी हिमालय दा विस्तार हैगा जी। हिमालय इन्हां खेत्रां विच फैलिया होया जी। उत्तर प्रदेश राज विच हिमालय दा खेत्र नहीं है जी। एक की हैगा जी? एक मैदानी खेत्र हैगा जी। ये तुसी याद रखना है उत्तर प्रदेश जिहड़ा राज हैगा जी इहदे विच हिमालय दा कोई खेत्र नहीं हैगा है। ये की हैगा जी? एक मैदानी खेत्र हैगा है। हुण आपां नैक्सट आपां वेखदे हां जी कि हिमालय पर्वत जिहड़ा हैगा है किन्ना किन्ना राज्यां विच फैलिया होया है। मैप दे विच आपां वेखदे हां इत्थे हैगा जी अपने कोल लद्दाख, इत्थे हैगा जी अपने कोल जम्मू एंड कश्मीर, इत्थे हैगा जी अपने कोल हिमाचल प्रदेश, इत्थे हैगा जी अपने कोल उत्तराखंड, इत्थे हैगा जी अपने कोल नेपाल, इत्थे हैगा जी अपने कोल सिक्किम। इस तो बाद हैगा जी अपने कोल इत्थे अरुणाचल प्रदेश, उस तो बाद हैगा जी इत्थे हैगा जी असम, उस तो बाद इत्थे हैगा जी अपने कोल नागालैंड, इस तो बाद हैगा जी अपने कोल इत्थे मणिपुर, इस तो बाद अपने कोल हैगा जी इत्थे मेघालय। इन्हां राज्यां विच जिहड़ा हैगा आ जिहड़ा एरिया हैगा आ की हैगा जी? हिमालय पर्वत दा एरिया हैगा। इन्हां राज्यां विच हिमालय पर्वत फैलिया होया है जी। इस तो बाद आपां गल करदे हां जी हिमालय दे पूर्व तो पछम तक प्रमुख पर्वत चोटियां दी। सब तो पहला हैगा जी अपने कोल नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश विच स्थित है। अरुणाचल प्रदेश कित्थे हैगा जी? अरुणाचल प्रदेश हैगा जी पूर्व दे विच। सब तो पहला जिहड़ा राज्य हैगा वह हैगा जी अपने कोल अरुणाचल प्रदेश जिथे सब तो पहला सूरज उगदा है जी।
इत्थे जिहड़ी आ चोटी हैगी जी, आ हैगी जी अपने कोल नामचा बरवा। की ना हैगा जी? नामचा बरवा किथे स्थित है जी? अरुणाचल प्रदेश विच। इस तो बाद हैगा जी अपने कोल दूजी जिहड़ी चोटी है जी, वह हैगी जी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम दे विच स्थित है जी। इस तो बाद हैगी जी अपने कोल मकालू, इस तो बाद हैगी जी अपने कोल माउंट एवरेस्ट, इस तो बाद हैगी जी अपने कोल अन्नपूर्णा, इस तो बाद हैगी जी अपने कोल धौलगिरी। ये पर्वत चोटियां तुसी याद रखनियां जी, इन्हों तो काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम विच पूछे जाते हैं। जेकर दोस्तों तुहानू वीडियो चंगी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करना ते वध तो वध शेयर करना। जे तुसी साडे चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो ते नाल लगे बैल आइकन जरूर दबाओ, जिस नाल साडी नई नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच जावे। मिलते हैं नैक्सट वीडियो से, तब तक लई टेक केयर।